असलामुअलैकुम जी और खुश आमदीद मेरे चैनल में एक नए व्लॉग के साथ। तो जी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जिसके लिए ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। और रेसिपी है जी कि भरी हुई मिर्चों वाली रेसिपी, सालन है बेसिकली ये एक। तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में शेयर करनी है। ये रेसिपी बेसिकली ना गर्मियों में बहुत खाई जाती है और मेरी फेवरेट है ये। दोपहर के टाइम तो बहुत ही मज़े की लगती है और साथ लस्सी होना तो मतलब कि मज़ा ही आ जाता है। तो खैर रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं जो जो चीज़ें हम लोग इस रेसिपी के अंदर ऐड करेंगे वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक। चलें जी किचन से ऐसे आ गए हैं और रेसिपी शुरू कर दें। सबसे पहले जी यहाँ पर हम लोगों ने ले लेना है धनिया, ठीक है, धनिया को साफ कर लेना है, सूखा धनिया को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको ग्राइंड कर लेना है, जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा ना तब हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप है जो ये लहसुन, लहसुन को हम लोगों ने स्टिक्स पीसेस कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ले लेना है यहाँ पे जीरा। बेसिकली इन तीनों चीज़ों का हम लोगों ने एक मिक्सचर बनाना है, ठीक है, जिनको हम लोगों ने ना देसी तरीके में ना मतलब के ना कुंडी के अंदर हम लोगों ने इसको कूट लेना है और उसको हमने जो मिक्सचर बनेगा ना उसको हम लोगों ने ना मिर्चों के अंदर फिल करना है। तो ये है जी अभी का प्रोसेस, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों चीज़ें डाल दी हुई हैं, मिक्सचर को हम लोगों ने अच्छे तरीके से ना जो कूट लिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों के पास ये मिक्सचर आ गया हुआ है। अब इस मिक्सचर को हम लोगों ने ना इसके अंदर फिल करना है। फिल इस तरीके से करना है कि आप लोगों ने ले लेनी है हरी मिर्चें, ठीक है, उसको आप लोगों ने लगा लेना है कट। कट लगाने के बाद जी इसके अंदर हम लोगों ने इस तरीके से मसाला फिल कर लेना है, सिंपल। और इसको देख के एक और चीज़ भी याद आती है कि जो हम लोग भरे हुए करेले बनाते हैं ना उसको तो हम लोग ना मतलब के धागे से वो करते हैं ना, मतलब के उसको हम लोग धागे से लपेट देते हैं, लेकिन इसका वो साफ नहीं है। लेकिन जब ये बंदा रेसिपी सीखता है या बनाता है ना तो वो माइंड में लाजमी आता है। फिर जी हम लोगों ने ना जब ये तीनों चीज़ें डाल देनी है उसको कूटते हुए, उसके अंदर आप लोगों ने ना नमक यानी कि सॉल्ट भी ऐड कर लेना है। अब हम लोग इस तरीके से बस कट लगाते जाएंगे, मसाला भरते जाएंगे और हम लोग उसको फ्राई पैन पर रखते जाएंगे। चलो जी साढ़ा आधा काम हो गया हुआ, यानी कि मिर्चों में मसाला फिल हो गया हुआ। अब इसके अंदर ऐड कर देना है ऑयल, टमाटर डालने हैं। ओके जी, तो अब इसके अंदर हम लोगों ने ऑयल डालने के बाद इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। हम लोगों ने इसके अंदर ना चार टमाटर ऐड किए थे, आप लोग पांच भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप लोग की ग्रेवी का मिक्सचर थिक बनेगा, अच्छा बनेगा और आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में, ठीक है। टमाटो ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपने आगे वाले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अनियंस कट रहे हैं और साथ में जो मसाला पड़ा हुआ है ना वो जो हम लोगों ने मिर्ची भरी है ना उसमें से जो बचा है वो है, ठीक है, तो हम लोग बाद में इसको ऐड करेंगे। अभी जो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे साथ अनियंस, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग अनियंस ऐड कर रहे हैं, अनियंस ऐड करने के बाद हम लोग इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे, क्योंकि एक ये भी होता है जब आप खाना बना रहे होते हैं ना तो अब हिलाते नहीं हो ना तो आपका खाना लग जाता होता है, क्योंकि आग है भाई, इसीलिए तो हिलाते रहना साथ साथ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जैसे बताया था पिछली क्लिप में कि जो हम लोगों ने मिर्चें फिल की थी ना उनसे जो मसाला बचा था ना वो भी हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोगों का ना तकरीबन काम हो गया हुआ है। बाकी लास्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर ना लेमन स्क्वीज कर देना। इससे क्या होगा कि एक मतलब कि ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा सा टेस्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत मज़े के लेंगे इससे। तो तकरीबन आप लोग इसे तीन से चार डाल देने हैं, ठीक है। यहाँ पे जी अम्मी जी ने नमक चेक किया तो अम्मी को नमक कम लग रहा था इसलिए यहाँ पर ऐड किया है, और आप लोग भी चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों को अपने हिसाब से कम लगना है, क्योंकि कोई नमक ज़्यादा खाते होते हैं कोई कम, हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम लोगों की ज़बरदस्ती भरी हुई मिर्च मसाला फ्राई वाली रेडी हो चुकी हुई है। ये जो हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्ती। ओके जी, तो रेसिपी आप सब लोगों ने अब देख ली हुई है, उम्मीद है आप सब लोगों ने इंजॉय किया होगा। जिन्होंने ये रेसिपी कभी भी ट्राई नहीं की है ना एक दफ़ा आप सब लोग लास्ट में ट्राई करिएगा, ठीक है, और बाकी फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। देखने में तो बहुत मज़े का लगता है और खाने में भी ये फेवरेट है मेरा, और मेरी अम्मी बनाती है, फिर जो चीज़ अम्मी के हाथ से बनी होती है ना वो चीज़ वैसे ही ज़बरदस्त हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई सो मच लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलूंगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Thank you.